देश में बेकाबू हो रहा है कोरोना, 4,12,000 नए मामले। नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार, देश में कोरोना से 3,980 की गई जान। देश में कोरोना के 35 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक कुल मामले 16 करोड़ से ज्यादा। देश में पिछले 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज, अब तक कोरोना की जंग जीत चुके हैं 1,72,00,000 मरीज। सिर्फ 5 राज्यों से आए करीब 47% मामले, महाराष्ट्र में करीब 13.5% डेली केसेस। महाराष्ट्र नहीं थम रही है मौत की रफ्तार, 24 घंटे में 920 ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 57,000 से ज्यादा नए केस, रिकवरी रेट 85% से ज्यादा। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 82 लोगों की कोरोना से गई जान, 4,000 से ज्यादा नए मामले। बेंगलुरु में आए देश के अब तक के सबसे ज्यादा मामले, एक दिन में 23,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। कर्नाटक में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले, 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा संक्रमित, 346 की गई जान। कर्नाटक के हुबली में ऑक्सीजन की कमी का कहर, 5 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,953 नए मामले, 338 की मौत। दिल्ली के अस्पतालों का बुरा हाल, आईसीयू बेड नहीं मिलने से एनएसजी के ग्रुप कमांडर की कोरोना से गई जान। कोरोना की रफ्तार के बीच वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन की चेतावनी, तीसरी लहर के लिए रहे तैयार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ज्यादा इम्यूनिटी को भी बताया खतरनाक, कहा ऐसे लोग भी हुए हैं संक्रमित। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी, कल केंद्र सरकार को लगी थी फटकार। ऑक्सीजन सप्लाई की कोताही पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा नाकाम अफसरों को जेल में डालें या फिर अवमानना के लिए रहें तैयार। हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर फिलहाल रोक, केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा दिल्ली को 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन देने का क्या है एक्शन प्लान। दिल्ली सरकार को एमिक्स क्यूरी की सलाह, ऑक्सीजन स्टोर करने की खुद करें व्यवस्था, अगर कोरोना की तीसरी लहर आए तो फिर ना हो ये हालात। सेना की मदद पर दिल्ली हाईकोर्ट को सरकार का जवाब, अस्पताल बनाने को लेकर नहीं किया फैसला। यूपी में कोरोना का कहर जारी, 31,000 से ज्यादा नए मरीज, 357 ने तोड़ा दम। लखनऊ का सबसे ज्यादा बुरा हाल, एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। लखनऊ में दर्दनाक हादसा, ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट, 3 की मौत। लखनऊ हादसे पर सीएम ने दिए जांच के आदेश, जांच टीम गठित। तमिलनाडु के चेंगालपट्टू में ऑक्सीजन की किल्लत, बगैर ऑक्सीजन के 11 की मौत। अनंतपुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए तरस रहे मरीज, ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की गई जान। केरल में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 42,000 नए मामले, 58 की मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा संक्रमित, 85 की गई जान। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, 12,000 से ज्यादा नए मामले, 71 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना का कहर, 16,000 से ज्यादा नए मामले। नहीं रहे आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह, कोरोना से निधन। गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती थे अजीत सिंह, 86 साल की उम्र में निधन। अजीत सिंह के निधन पर पीएम ने जताया शोक, कहा वो हमेशा किसानों के हितों के लिए काम करते रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अजीत सिंह को बताया जुझारू किसान नेता, निधन पर जताया शोक। राहुल गांधी ने अजीत सिंह के निधन पर जताया दुख, परिवार पर जताई संवेदना। कस्टम में 3,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के फंसे होने की खबर पर वित्त मंत्रालय की सफाई, कहा नहीं अटकती है ऐसी कंसाइनमेंट। ममता ने कोलकाता पुलिस हॉस्पिटल का किया दौरा, कोरोना को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। बंगाल में एंटीजन टेस्ट से सरकार पता करेगी अस्पतालों में मौत कोरोना से हुई या नहीं। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने तोड़ा कोविड प्रोटोकॉल, बैरिकेडिंग हटाने से हड़कंप। कॉमेडियन सुनील पाल के खिलाफ डॉक्टर ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, सुनील बोले आपसी बातचीत से हल निकले तो अच्छा है। दिल्ली में वैक्सीनेशन में तेजी, बंगाली मार्केट में युवाओं की लंबी लाइन। दिल्ली में नर्सिंग स्टाफ की कमी, मैंगलोर से आ रही है नर्सेस, खुद इलाज करने से कोविड मरीजों की हालत बिगड़ी, डॉक्टर ने दी चेतावनी। अहमदाबाद में वैक्सीन सेंटर्स पर घंटों करना पड़ा इंतजार, सेंटर से पहुंच रहे कम वैक्सीन। शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी और कोरोना की ड्यूटी पर पहुंची डॉक्टर, कई डॉक्टर्स के पॉजिटिव होने के बाद आया कॉल। लॉकडाउन की लापरवाही पर बरसी लाठियां, पुलिस ने बाइक सवारों को खदेड़ा। बाजार खुलते ही उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, खरीदारी के लिए उमड़े लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मेरठ जेल से रिहा होंगे 300 कैदी, 2 महीने के लिए होगी रिहाई। कोरोना के मरीजों के लिए भगवान बनी सेना, श्रीनगर में 250 बेड वाला अस्पताल बनाया गया। पंचर बनाने वाला देवदूत बना, प्रशासन को फ्री में मुहैया कराए 70 ऑक्सीजन सिलेंडर।
कोरोना मरीज की मौत पर घिरा मेयो अस्पताल, दो डॉक्टर के खिलाफ गैर रातन हत्या का मामला दर्ज। तिरुपति में 21 अनाथ लोगों का हुआ अंतिम संस्कार, सभी को कोरोना से गई थी जान। लुधियाना के गुरुद्वारा आलमगीर में कोविड मरीजों के लिए खुला अस्पताल, ऑक्सीजन के साथ बेड की व्यवस्था। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बनाए गए टेस्ट सेंटर्स, 3 शिफ्ट में 50 लोगों का हो रहा है टेस्ट। मुंगेर में लापरवाह पुलिस वालों पर एक्शन, ड्यूटी के वक्त घूम रहे थे 3 ट्रेनी दारोगा। लॉकडाउन में पुलिस ने रोका तो महिला ने की बदतमीजी, वायरल हुआ वीडियो। चेन्नई में कोरोना के कारण शराब की दुकानों पर बढ़ी सख्ती, 4 घंटे खुलेंगी दुकानें। कोरोना ड्यूटी मिलने पर फाइनल ईयर के छात्र ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा तनाव के कारण की खुदकुशी। कोरोना की आपदा में फर्जीवाड़े का धंधा तेजी पर, दिल्ली पुलिस के पास आ रहे हैं रोज सैकड़ों कॉल्स। वायुसेना की मदद लेगा नागपुर, ओडिशा से एयरलिफ्ट होगा 90 मेट्रिक टन ऑक्सीजन। आज तक के ऑपरेशन एम्बुलेंस का असर, दिल्ली सरकार ने दिया एक्शन लेने का भरोसा। ऑपरेशन में एम्बुलेंस की कालाबाजारी को लेकर किया गया था खुलासा, मरीजों से कई गुना वसूले जा रहे हैं किराया। तिहाड़ जेल में 30 महिला कैदी कोविड पॉजिटिव, 1 की मौत। महाराष्ट्र के बीड में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़ से बिगड़े हालात, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। 24 घंटे में दिल्ली पुलिस के 181 जवान संक्रमित, कई सीनियर अधिकारी भी चपेट में। गुजरात के सांगनेर इलाके में कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, धार्मिक समारोह में शिरकत करने के लिए उमड़ी भीड़। बलियादेव के शिलाभिषेक के लिए उमड़ी थी श्रद्धालुओं की भीड़, बाद में पुलिस ने सरपंच समेत 23 पर की कार्रवाई। अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों में 19 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं, लोगों ने जताई नाराजगी। मुंबई में दादर से टीका केंद्र पर उमड़ी भीड़, 1295 लोगों की को लग चुका है टीका। भुवनेश्वर के टीकाकरण केंद्र पर भारी भीड़, धीरे धीरे जारी है वैक्सीनेशन। कोरोना से यूपी के एटा केस की मौत, कुछ दिन पहले राहुल कुमार हुए थे कोरोना पॉजिटिव। खबरों के मुताबिक अपने घर में गिर पड़े थे राहुल कुमार, गहरी चोट लगने से हुआ निधन। नोएडा के कैलाश अस्पताल के बाहर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत के चलते सांसमय शर्मा को घिराव करने पहुंचे थे कार्यकर्ता। चंदौली में बिना मास्क काउंसिलिंग सेंटर पहुंचने वाले शख्स पर पुलिस ने लगाया 11,000 का जुर्माना, टोके जाने पर युवक ने की थी एसपी से बहस। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का वीडियो वायरल, पंचायत चुनाव में जीत के बाद जमकर नाचते दिखाई दिए लोग। बंगाल की हिंसा को लेकर नड्डा का ममता पर हमला, कहा खून से सने हाथ के साथ ममता ने तीसरे टर्म की शुरुआत की। ताजपोशी के 5 घंटे के अंदर ममता ने हटाए गए पुलिस अधिकारियों को बहाल किया, हिंसा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। फिर से बंगाल के डीजीपी बनाए गए वीरेंद्र नीरज नयन पांडे, फायर सर्विस के बने बॉस। बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने जावेद शमीम, विवेक सहाय को बनाया गया डीजी सिक्योरिटी। हटाए गए कूचबिहार के एसपी देवशीष धर, 10 अप्रैल को केंद्रीय बल की फायरिंग में 4 की गई थी जान, सीआईडी जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में अलबदर के 3 आतंकी ढेर, 1 आतंकी ने किया सरेंडर। आज तड़के शुरू हुआ ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने की थी सरेंडर करने की अपील। मुरादाबाद में चोर ने मारी गोली तो लोगों ने पीट पीट कर ली जान। गाजियाबाद में दोबारा इस्तेमाल के लिए पैक किए जा रहे हैं सर्जिकल ग्लव्स, फैक्ट्रिक का खुलासा, पुलिस ने की रेड। बंगाल के चाय बागान में बारिश के लिए मेढकों की कराई गई शादी, इंद्र भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश।